अगर आप हीरानगर से हैं और कंप्यूटर का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे सेंटर में आके मेरे से कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको गवर्नमेंट वैलिड सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा सेंटर की तरफ से। और दोस्तों इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, और इसके साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने सेंटर का एड्रेस देने वाला हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने इस फोटो की सिलेक्शन बना लेनी है, क्यूक सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है और आपने ब्रश का साइज यहाँ पे क्लिक करके बड़ा कर लेना है एंड आपने इसकी सिलेक्शन बना लेनी है अपने फोटो की। अच्छे से आपने सिलेक्शन बना लेनी है, कंप्लीट कर लेता हूँ मैं सिलेक्शन को एंड उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरी सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों कुछ एरिया हमारा ज़्यादा हो जाता है, उसको हम माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। जैसे मान लो इस वाले एरिया को मुझे माइनस करना है, ये कुछ ज़्यादा हो गया, तो पहले मैं ब्रश को छोटा करता हूँ, अल्ट बटन प्रेस करके रखना, माइनस वो बटन आता है तो आपने इसको माइनस कर देना एंड यहाँ से मैं प्लस कर देता हूँ। फाइनली मेरी सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, मेरी सिलेक्शन यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट। अल्ट के साथ माइनस करके यहाँ से ऐसे कर देता हूँ और ये मेरी सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल जे बटन प्रेस करना है। कंट्रोल जे बटन प्रेस करेंगे तो आपकी ये न्यू लेयर बन जाती है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, कंट्रोल के साथ इस वाली लेयर पे क्लिक करना है, ध्यान से करें तो फिर से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब नीचे वाली लेयर पे आ जाना है, नीचे वाली लेयर पे आ जाना है। अब आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों बैकग्राउंड ब्लर करनी है तो सिलेक्ट इनवर्स कर देना है। सिलेक्ट इनवर्स से आपकी इनवर्स सिलेक्शन हो चुकी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, फिल्टर पे जाना है, ब्लर पे जाना है और यहाँ पे लेंस ब्लर पे क्लिक करना है। लेंस ब्लर पे जैसे आप क्लिक करेंगे न्यू विंडो आपकी ओपन होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने वैल्यू है जो रेडियस की वैल्यू है वो 73 की हुई है। अगर आप इसको कम करते हैं, पहले से मैंने ज़्यादा रखी है, मैं इसको कम करके दिखाता हूँ। अगर जैसे मैं इसको कम कर रहा हूँ तो आपकी जो बैकग्राउंड है वो देख सकते हैं, ये आपकी इतनी ब्लर नहीं लग रही, लेकिन जैसे जैसे आप इसको वैल्यू को इनक्रीज करेंगे तो आपकी ये बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लर होने लगी है। एंड फाइनली मैं यहाँ पे अच्छे से इसको ब्लर कर लेता हूँ, देख सकते हैं ये काफ़ी ब्लर हो चुकी है। मैंने 100% पे कर लिया और यहाँ पे जो कर्वेचर है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ब्लेड कर्वेचर को, तो ये भी मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। एंड फाइनली आपको क्या कर देना है दोस्तों, ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये प्रोसेसिंग लेगा और प्रोसेसिंग लेने के बाद फिल्टर होगा और आपकी जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से ब्लर हो जाएगी। फाइनल आप देख सकते हैं ये ब्लर हो चुकी है। एंड अब मुझे क्या करना है, इसके जो ये जो जीन्स है इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल डी करना है, डी सिलेक्ट हो जाएगा, इस वाली लेयर पे मैंने क्लिक कर लिया। अब इसके कपड़े चेंज करने हैं तो कंट्रोल दबा के फिर से इसके ऊपर क्लिक किया। अब मैंने इस वाले बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे ह्यूज एंड सेचुरेशन पे क्लिक कर दिया तो ये विंडो आपके सामने खुलेगी। अब जैसे ये विंडो खुली, इस पे देखिए ये वाला आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सैंपल लेने वाला ऑप्शन आता है। आपने इस वाली शर्ट के ऊपर चेंज करना है कलर, तो क्लिक कर दिया। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने इसका सैंपल ले लिया कलर का। अब यहाँ से जैसे आप कलर चेंज करेंगे, आप ध्यान से देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, अगर इसको हम इस साइड करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी जीन का कलर चेंज हो रहा है, देख सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा रखना है, मैंने ऐसा कर दिया। फाइनल मैंने क्या किया दोस्तों, इस लेयर पे देख सकते हैं ये चेंजेस हुई है, आप देख सकते हैं पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, तो ऐसे चेंज किया मैंने और ये देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे इस वाले एरिया पे ये कलर अप्लाई नहीं करना था, इस वाले एरिया पे और गलती से हो गया है, तो आपने दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लेना है ब्रश और ब्रश लेना है। अब ब्रश लेने के बाद आपने दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाला जो कलर है मैं यहाँ पे ब्लैक रख रहा हूँ, ब्लैक कलर ले लिया, ओके कर दिया और इस पर जैसे मैं ब्रश फेरूंगा ब्लैक, तो ये जो मेरा पहला कलर था जैसे था पहला वैसे ही आना स्टार्ट हो गया, तो आप ऐसे करेंगे। एंड फाइनल दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है और आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।